एवरीवन, मेरा नाम है आशीष शेखर और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फीफा फूड्स। सो शेखर सुमन ने एक सवाल करते हुए एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने कहा कि अब्दू 90 इयर्स के हैं एंड ऑल ऑफ दिस, क्या उनको सिर्फ एक क्यूट कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, हमें एक्चुअल कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे कि बाकी लोग भी खेल रहे हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? क्या इट शुड लाइक बी कि वो छोटे हैं और वो क्यूट है काफी, तो उनको उस तरह ट्रीट करना चाहिए या एवरीवन शुड ट्रीट हिम लाइक अ कंटेस्टेंट, जैसे सबको ट्रीट किया जा रहा है? सो ये सवाल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अपने लाइव में भी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे एवरीवन इन द हाउस जो है वो उसको जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो, कोई 6-7 साल का बच्चा हो, उसको वैसे ट्रीट कर रहे हैं। नोबडी इज टेकिंग हिम एज अ कॉम्पिटिशन। और शायद अब्दुल भी बहुत लीनियंट खेल रहे हैं, बहुत आराम से खेल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो सबसे बना के रख रहे हैं, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं, सबके साथ रह रहे हैं, पूरे घर में वो एकदम क्यूट बने हुए हैं, जैसे कि उनको सब क्यूट क्यूट कहते हैं, कोई भी उनको प्यार से गोदी उठा लेता है, कोई कुछ भी कहता है, टीना उनसे फ्लर्ट करती हैं, निमृत जिनके लिए अब्दू को फीलिंग्स भी है वो भी उनको एज बच्चा ट्रीट करती हैं। तो सवाल ये है कि वो जब बिग बॉस हाउस में आए हैं, नो मैटर हु व्हाट ही इज एंड जो भी है, वो इस बिग बॉस में आए हैं एंड ही इज 19 इयर्स ओल्ड, ही इज एन अडल्ट, वो एक बड़े इंसान हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो छोटे। अगर देखा जाए एज के बारे में बात करें तो सुंबुल भी ऑलमोस्ट उन्हीं की एज की है, उनसे एक साल छोटी है, बल्कि तब भी उनको एज अडल्ट ट्रीट किया जाता है, बट अब्दू को घर में सिर्फ वो क्यूट है, ये तो बहुत अडोरेबल लगता है, ये तो ऐसे बहुत क्यूट लगता है, ये वैसे बहुत क्यूट लगता है, दैट्स ऑल हैपनिंग विद अब्दू। हर कोई अब्दू को बच्चे जैसा ट्रीट कर रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब्दू का खुद का भी कोई स्टैंड नहीं है, व्हाई ही इज नॉट टेकिंग स्टैंड, उनका कोई अप्रोच नहीं है, उनका कोई खुद का कोई गेम नहीं है, और उनकी कोई कॉन्सिप्रेसी नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई खुद का स्टैंड नहीं है, उनको कोई कुछ कहता है तो वो अप्रोच भी सामने से नहीं करते हैं। एक सीन में उनको शालीन उनको पूछते हैं कि कैसा, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, कैसे, तो जाके वो एमसी स्टैंड से शिकायत करते हैं, वो कहते हैं ही इज ट्रीटिंग मी लाइक कि मैं छोटा बच्चा हूँ एंड द वे ही इज ट्रीटिंग मी आई डोंट लाइक इट। उन्हें अब्दू को बिल्कुल पसंद नहीं आता जैसे घर वाले, बहुत सारे घर वाले उनको ट्रीट करते हैं बच्चों जैसा, बट क्या ये जो परसेप्शन है ये चेंज करने के लिए अब्दू को ही कुछ करना पड़ेगा, अब्दू को ही अपना स्टैंड लेना पड़ेगा और अब्दू को ही अपना गेम खेलना पड़ेगा? क्योंकि इंटरनेट पे घर में आने से पहले भी अब्दू काफी वायरल थे, उनके रील्स काफी वायरल थे और उसमें भी लोग उनको काफी क्यूट कंसिडर करते, स्पेशली वो बर्गर वाला जो मीम था, बर्गर दैट मीम, उसके बाद से लोग उनको काफी क्यूट वे में ट्रीट करते हैं, बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं, जो मुझे लगता है एक हिसाब से गेम के हिसाब से गलत है। क्योंकि अगर दो लोग हैं, चाहे वो 18 साल के हों, चाहे वो 40 साल के हों और कुछ भी हो, अगर कोई एक गेम में है तो सबको बराबर से ही खेलना पड़ेगा, सबके लिए रूल बराबर होंगे, सबके लिए जो भी टास्क होगा वो बराबर होगा। तो मुझे लगता है अब्दू को जो है खुद भी स्टैंड लेना चाहिए और खुद भी गेम खेलने का एक अप्रोच होना चाहिए, उनका खुद का एक गेम होना चाहिए, तब शायद बाकी लोग उनको वो बच्चे जैसा या छोटे बच्चे जैसा ट्रीट करना और सिर्फ कि वो बहुत क्यूट है वैसी नजरिए से देखना बंद करेंगे, उन्हें एज अ कंटेस्टेंट देखना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट अब्दू हैव टू टेक हिमसेल्फ सीरियसली ताकि बाकी लोग भी उनको सीरियस ले सके। तो आपको क्या लगता है जो शेखर सुमन ने सवाल उठाया वो कहां तक जायज है और आपकी क्या राय है उस बारे में, और अब्दू को एज एन अडल्ट और एज अ कंटेस्टेंट ट्रीट करना चाहिए या जो भी चल रहा है वो आपको लगता है ठीक चल रहा है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइए और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।